Assalamu alaikum, class 5. Here I am your math teacher. Take your new math countdown book and open exercise 2A. Okay, bachcho, exercise 2A hamare paas hai aur page number I think 29 hai aur question number 6 hai. Humne divisibility rule padhe the, usi ke according hamare paas question hai. Ab dekhe question number 6 हम मेरे पास यहाँ पे मैंने राइट किया हुआ है, वही रीड करते हैं. वो कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 3 बट नॉट 6, अप्लाई रूल शो वर्किंग आल्सो. वो कहते हैं इस पे रूल अप्लाई करें और फिर इसकी वर्किंग भी शो करें. बच्चों देखें, मेरे पास अब यहाँ पे है 4707. अब अगर आप गौर से डिविजिबिलिटी रूल पढ़ें 6 का, तो उसमें जो सबसे पहले पहले बात लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है कि सबसे पहले पहले हमने चेक करना है कि जो नंबर है वो इवन है या नहीं है. तो नंबर को इवन चेक, तो ये नंबर इवन नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इस पे वर्किंग कर लेते हैं. हम इसके डिजिट्स को ऐड करते हैं, 4 + 7 + 0 + 7, तो ये हमारे पास आता है 18. अब 3 वाला टेबल 18 पे जाता है, तो यहाँ पे मतलब कम्प्लीट डिविजिबल है 6, यानी कि ये डिजिट जो है ये 3 से तो डिविजिबल है. अगर हम 3 को इससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आता है, लेकिन ये 6 से डिविजिबल नहीं है. द नंबर इज़ नॉट इवन, क्योंकि नंबर इवन नहीं है. और क्या है कि जब हम इसको 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 नहीं आता, लेकिन जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या है, 0 आता है. ये हो गया. अब इस तरह 801 देख लें, ये क्या है, ये 3 से डिविजिबल है लेकिन 6 से नहीं है, क्योंकि नंबर इवन नहीं है. किसी भी नंबर को 6 से चेक करने के लिए उसकी पहली शर्त हमने इवन देखना है कि अगर वो इवन है तो डिविजिबल होगा. उसके बाद हमने चेक करना है कि इवन के बाद कि वो 3 से भी डिविजिबल है. अगर वो इवन है और फिर 3 से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल है. अब ये नेक्स्ट देख लें, ये वाला जो नंबर है ये 3 से क्या है, डिविजिबल नहीं है, लेकिन 6 से डिविजिबल है क्योंकि ये इवन है. अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास है, अब ये सॉरी ये क्या है, ये 3 से डिविजिबल नहीं है. 6 का तो हमने चेक ही नहीं करना ना उसके बाद, क्योंकि ये 3 से डिविजिबल नहीं है. अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, वो हमने डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है किसका, 8 का. अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल हमारे पास क्या है, उसके लिए हमारे पास शर्त ये थी कि या तो उस नंबर के लास्ट वाले तीन कि उस नंबर के लास्ट वाले 3 डिजिट्स क्या होने चाहिए, 8 से डिविजिबल होने चाहिए. क्या होना चाहिए उसके लास्ट वाले 3 डिजिट्स को, 8 से, यानी कि अगर हम उनको 8 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए, या किसी भी नंबर के एंड पे 3 0 होने चाहिए. फॉर एग्जांपल ये नंबर है, ये देखें 23. अब देखें इसके एंड पे क्या आ रही है, 3 0 आ रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये नंबर 8 से डिविजिबल है. हर वो नंबर जिसकी 1s, 10s प्लेस पे 3 0 आते हैं वो नंबर 8 से डिविजिबल होता है. तो देखें अब क्वेश्चन नंबर 7 हमें हमारे पास ए वाला पार्ट है, ये देखें 4189. तो हमने क्या किया, अब यहाँ पे 3 0 हैं तो हमने इसके लास्ट वाले ये 3 डिजिट लिए और मैंने क्या किया, यहाँ पे राइट किए 189. फिर मैंने इसको डिवाइड करके चेक किया. अब 8 वाला टेबल 18 पे 2 टाइम, यानी कि 18 पे तो नहीं जाता है, 8 2s are 16 किया. 18 में से 60 माइनस करें क्या होता है, 2, तो यहाँ पे आता है 29. अब 29 पे 8 का टेबल नहीं जाता, 4 आता है, इसलिए हम कहते हैं कि ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इसके लास्ट 3 डिजिट्स जो हैं वो भी 8 से डिविजिबल नहीं है. तो ये कंप्लीट नंबर भी क्या होगा, 8 से डिविजिबल नहीं होगा. इसके इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, वो है उसका डिविजिबिलिटी रूल है 9 का. तो हमने पहले वो रीड कर लेना है, उसके बाद हम आपने वो खुद क्या करना है, अपने नोटबुक से अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है. ओके बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है. अल्लाह हाफिज़.